ध्यान देना बुआ, क्वेश्चन नंबर 40 हाइट एंड डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहता है, समान ऊंचाई के दो स्तंभ है ना, 64 मीटर की दूरी पर है। समान ऊंचाई के दो को स्तंभ है जो कितने मीटर की दूरी पर है, 64 मीटर की दूरी पर है। चलो पार ले चलते हैं, देखो ये स्तंभ है ना, यहाँ भी क्या है स्तंभ है, दोनों ऊंचाई समान रहेगा, दोनों की ऊंचाई क्या है समान, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लो ये खड़ा है 64 मीटर की दूरी पर है, दोनों जो कितना मीटर की दूरी पर है 64 मीटर की दूरी पर है। उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु, मान लो ये कोई बिंदु है, इसके पाद को मिला रहा है, मैंने जो नीचे जो पैर है इसके दोनों पैर को मिला रहा है ये बिंदु, कोई दिक्कत आया, ध्यान देना। उनके शिखरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री या 60 डिग्री, माने इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण, एक 30 डिग्री है ना, इसका 30 डिग्री है और इसका क्या है हुआ 60 डिग्री, एक आ रहा पूछ ले। और क्या कहता है स्तंभों की ऊंचाई, स्तंभ की क्या निकालना है ऊंचाई, देखो स्तंभ की ऊंचाई ये हो जाएगा, मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई x है ना, स्तंभ की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, आप दोनों स्तंभ एक ही जैसा है क्योंकि समान ऊंचाई ने, अगर ये x माने तो इसको y मान लेंगे, x ये भी x से होगा पूरा, अगर ये y है तो क्या हो जाएगा 64 माइनस क्या हो जाएगा y, ये a b c d e, यहाँ पर लिखेंगे माना कि स्तंभों की ऊंचाई ध्यान देना x मीटर, बिंदु B से स्तंभ के पाद की दूरी क्रमशः बाई तथा 64 माइनस बाई मीटर। पहले बताओ कौन सा संबंध है हुआ, पी है ये बी है, पी है क्या है बी, टेन थीटा का संबंध है, टेन थीटा पी बटा है ना, त्रिभुज चलेंगे हुआ है ना ए बी ई में 33 बी बटा बी ए ई बटा ए बी होगा नहीं, 33 स्क्वायर बाई रूट 3 ए ई हो जाएगा एक्स और ए बी हो जाएगा बाई, ध्यान देना बाई बराबर रूट 3 एक्स होगा ना, इस समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे बुआ त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, टेन 60 बी बटा बी डी सी बटा बी सी, टेन 60 रूट 3 डी सी एक्स और बी सी 64 माइनस बाई, ध्यान देना ध्यान देना बुआ, इसको क्या करते हैं ये भाग में है, इधर चलेगा गुणा में, आई रूट 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, कोई दिक्कत, 64 माइनस बाई बराबर एक्स बटा रूट 3 होगा नहीं, ध्यान 64 माइनस बाई, बाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं रूट 3 एक्स बराबर हो जाएगा इधर है एक्स बटा रूट 3, यहाँ ध्यान देना बुआ ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में रूट 3 एक्स, रूट थ्री एल सी एम रूट थ्री कैंसिल एक्स हो जाएगा रूट थ्री जाएगा तो रूट थ्री एक्स ने रूट थ्री ऊपर जाएगा गुणा में तो रूट थ्री ऑलरेडी पहले से था रूट थ्री को ने रूट थ्री थ्री हो गया 64 रूट थ्री रूट थ्री भाग में इधर आएगा गुणा में 3 एक कितना हो गया 4 4 गुणा में इधर आएगा आगा में हो जाएगा नहीं 16 रूट क्या हो जाएगा 3 एक्स बराबर हो जाएगा 16 रूट 3 यहाँ ध्यान देना क्या ध्यान देना हुआ यहाँ पर भी है ना क्या क्या निकालना है हमको स्तंभों की ऊंचाई निकालना है केवल तो स्तंभ की ऊंचाई हो गया है ना क्या लिख देने स्तंभ की ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई एक्स माने थे 16 रूट 3 मीटर ये आंसर हो जाएगा आपका।
ध्यान दो 41 नंबर, दो ऊर्ध्वाधर ए, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है। मैंने दो को खंभा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा चीज खड़ा है ना, दो को खंभा है हुआ, ऊर्ध्वाधर खड़ा है आमने सामने का है ना, और एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी, तो थोड़ा सा क्या करते हैं खड़ा तो है लेकिन थोड़ा सा वो छोटा कर देते हुआ, इसलिए क्योंकि एक वो छोटा रहेगा एक वो बड़ा रहेगा, क्योंकि एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी, ध्यान देना। दोनों खंभों के पाद को मिलाने वाली एक रेखा है, ए दोनों पाद, दोनों खंभों के पाद को मिलाने वाली एक रेखा है, देखो रेखा खींचती है ना, रेखा पर के वो किसी बिंदु पर, एक किसी बिंदु पर मानो रेखा के किसी बिंदु है, किसी बिंदु पर खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30, मान लो खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, तो कितना डिग्री है 30 डिग्री। शुरू में बोला था आपको उनकी ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ऊंचाई, ते ध्यान दो पहले ऊंचाई तो ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखो कहां तब हुआ, एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी, तो मान लो अगर इसकी ऊंचाई x मानते हैं तो ये हो जाएगा 2x होगा कि नहीं, हां है ना, ऊंचाई इसका हो गया यही मान ले रहे हो x, तो ये हो जाएगा 2x क्योंकि x है, तो इसको देखो इतना वही बड़ा तो दुगुनी है कि नहीं, हां हो जाएगा ABCD, यहाँ ध्यान देना। और खंभों के बीच की दूरी कितना है हुआ 100 मीटर, 100 मीटर है, कितना मीटर है 100 मीटर, अगर इसको बाई मानते थे 100 माइनस बाई हो जाएगा माइनस बाई, ए बी सी डी ई, ध्यान देना यहाँ लिखेंगे, माना कि छोटे खंभे की ऊंचाई, छोटा बड़ा खंभा, छोटे खंभे की ऊंचाई, x मीटर, यहाँ बड़े खंभे की ऊंचाई, बड़े खंभे की ऊंचाई 2x मीटर, याद रखना। चलेंगे बुआ p और b में संबंध है ना, सेकंड थीटा लिखेंगे बुआ, जब बता रहे इधर समझो, भी लिखने का बहुत समय है, त्रिभुज चलेंगे बुआ किससे, ए बी में, टेन साठ ने बुआ बी बटा बी ए बटा ए बी, टेन साठ रूट थ्री, ए है 2x, ए बी हो जाएगा बाई है ना, ये ध्यान देना, तो बाई बराबर बुआ रूट थ्री गुणा में इधर आएगा भाग में, आई भाग में इधर गया गुणा में 2x, आई रूट थ्री इधर चलाएगा है ना, कोई दिक्कत, यहाँ ध्यान देना, टी हो जाएगा समीकरण क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना, अब चलेंगे त्रिभुज इसमें बीसीडी में, बीसीडी में 33 बी बटा बी हुआ डीसी बटा बीसी, 33 वन बाई रूट थ्री और डीसी हो जाएगा एक्स और बीसी हो जाएगा 100 माइनस वाई, यहाँ ध्यान देना, 100 माइनस वाई बराबर कि भाग में इधर गया गुणा में, आई देखो भाग में उधर चल जाएगा गुणा में, तो रूट थ्री एक्स ने ध्यान दो वाई का वैल्यू देखो यहाँ पर है 2x बटा रूट 3, 2x बटा क्या है रूट थ्री, आई बराबर रूट थ्री एक्स, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा नहीं, 2x बटा रूट 3 हुआ, ये हो जाएगा एलसीएम आपका रूट थ्री कैंसिल, हो जाएगा एक्स रूट थ्री कैंसिल, तो 2x ने रूट थ्री में रूट थ्री यहाँ क्या हो जाएगा 3x होगा ले, आई रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो ये देखो रूट थ्री भाग में इधर आएगा गुणा में, आ 3 2 कितना आ जाता है 5x, हुआ ध्यान देना 5 गुणा में इधर आएगा भाग में, तभी बचे 100, तो यहाँ x बराबर 20√3, यहाँ ध्यान देना x बराबर 20√3, तो छोटे खंभे की ऊंचाई यहाँ लिखेंगे, छोटे खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर, यहाँ लिखेंगे बड़े खंभे की ऊंचाई 2x, तो यहाँ देखो बड़े खंभे की ऊंचाई 2x ने माने थे, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा बुआ
20 रूट 3 बोले तो 40 रूट 3 मीटर। ध्यान हुआ क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 30 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। मान लो ये सड़क है हुआ है ना 30 मीटर, कितना मीटर है 30 मीटर, ये चौड़ी सड़क है और चौड़ी सड़क के दोनों तरफ है ना माने ई साइड आउट साइड रोड के दोनों तरफ जो एक खंभे है क्या है हुआ ध्यान देना हुआ समान है ना इधर खंभा है। अब कहता है समान ऊंचाई की इसलिए जो है थोड़ा सा है ना देखो लग रहा है बराबर दोनों खंभों के बीच की बीच स्थित बिंदु यहाँ पर एक स्थित बिंदु है हाँ स्थित बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन को 60 डिग्री ये 60 डिग्री है अरे वो कितना डिग्री है बुआ 3 डिग्री ध्यान देना। तो खंभों की ऊंचाई एवं बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है। खंभों की ऊंचाई अगर मान लेते दोनों सामान्य है तो खंभों की ऊंचाई x मान लेते क्या मान लेते x भी x क्योंकि दोनों समान है ऊंचाई और इसको मान लेते y तो ये y तो हो जाएगा 30 माइनस y a b c d e ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे मानना कि प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x मीटर बिंदु B से खंभे की दूरी क्रमशः बाई तथा 30 माइनस बाई मीटर एक हुआ ध्यान देना P और B टेन थीटा का संबंध है ध्यान देना P त्रिभुज चलेंगे ए बी ई में टेन 60 बी बटा बी ए बटा ए बी टेन 60 रूट 3 ए हो जाएगा एक्स और ए बी हो जाएगा बाई ध्यान देना रूट 3 बाई बराबर हो जाएगा एक्स बाई भाग में इधर आएगा गुणा में रूट 3 बाई बराबर एक्स समीकरण फर्स्ट चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में टेन 30 बी बटा बी डी सी बटा बी सी टेन 30 वन बाई रूट 3 डी सी एक्स डी सी 30 माइनस बाई 30 माइनस बाई रूट 3 भाग में इधर आएगा गुणा में रूट 3 एक्स हुआ यहाँ ध्यान देना जी 30 माइनस बाई रूट 3 एक्स है ना तो यहाँ एक्स का मान दिल नहीं है रूट 3 बाई रूट 3 बाई कर देते हैं 30 माइनस बाई हुआ रूट 3 में रूट 3 3 बाई और माइनस में बाई इधर जाएगा प्लस में बाई है ना यानी देते हैं 4 बाई बराबर 30 है ना तो 4 गुना में इधर आएगा 30 बटा 4 तो 2 दुनी 4 और 15 दुनी 30 15 बटा 2 का मतलब क्या होता है 15 बटा 2 7.5 है ना यहाँ ध्यान देना ये तो बाई निकल गया ना अब यहाँ ध्यान देना समीकरण फर्स्ट से है ना समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट में x x बराबर रूट थ्री वाई में है तो रूट थ्री का मान 1.732 और y हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7.5 इसको देखो तू थोड़ा सा कैलकुलेट करके ऐसे साइज होगा चलो कर लेते हैं गुना तो 12.99 हो जाएगा
यहाँ ध्यान देना, एक से निकल गया ना 12.99, तब तो बाई भी निकल गया। अब यहाँ लिखते हैं प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई तो एक हो जाएगा 12.99 मीटर। और यहाँ ध्यान देना, बिंदु बी से खंभे की दूरी क्रमशः हुआ बाई कितना निकल कर आया 7.5 मीटर तथा 7.5 घटाओ इसमें 30 में से तो जाएगा 22.5 बचेगा ना, तथा 22.5 मीटर आपका।